इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को NA 264 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकर ने सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी अकामा की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए जाने के खिलाफ अपील की समाअत की। समाअत के वकला ने मौकफ इख्तियार किया कि सरदार अख्तर मेंगल ने अकामा सफरी मकासद के लिए हासिल किया था, उन्होंने अकामे से कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि सरदार अख्तर मेंगल के अकामे से मुलाजमत करने के सबूत हैं, जिस पर इनके वकला का कहना था कि सरदार अख्तर मेंगल के अकामे के जरिए तनख्वाह या माली फायदे का कोई सबूत नहीं।